हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस। आई एम रमेश निषाद एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1 रीडिंग सी अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द यूज ऑफ सम, फ्यू, लिटिल एंड अदर डिटरमिनर्स एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी and the difference between much and many. So now see the difference between some and any. Some is used in positive statements and any is used in negative statements and questions. Some ka use hum positive statements mein karte hain jabki any ka use negative statements mein and questions mein kiya jata hai. Jaise I want some bread, पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज़। आई डोंट वॉन्ट एनी ब्रेड, एनी का यूज़ नेगेटिव स्टेटमेंट में। डू वी हैव एनी ब्रेड इन द हाउस, यहाँ पे एनी का यूज़ क्वेश्चन में। वैसे ही आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ वाटर है। आई डोंट हैव एनी वाटर नेगेटिव में। डू यू हैव एनी वाटर क्वेश्चन में। सो इस तरह से हमने देखा कि सम का यूज़ ज़्यादातर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में ही किया जाता है, एनी का यूज़ नेगेटिव स्टेटमेंट्स में एंड क्वेश्चंस में किया जाता है। नाउ लेट्स सी एक्सेप्शन ऑफ सम, सम का अपवाद। हमने देखा कि सम का यूज़ हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में ही करते हैं, बल्कि कभी कभी ये होता है कि जब हम किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए यदि हम पूछते हैं तब हम क्वेश्चंस में भी सम का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू लाइक सम टी, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, एक ऑफ़र किया जा रहा है, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। सो यहाँ पे हमने सम का यूज़ किया क्वेश्चन में। वैसे ही मे आई हैव सम एक्स्ट्रा मिल्क फॉर माई ब्रदर, तो यहाँ पे भी सम का यूज़ हुआ है, क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा मिल्क अपने भाई के लिए ले सकता हूँ। इस तरह से यदि हम किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं या किसी चीज़ के लिए हम उनसे पूछते हैं तब हम क्वेश्चंस में भी सम का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी, अब हम देखेंगे सम एंड एनी का यूज़ हम कौन कौन से कंडीशन में कर सकते हैं। सो सम का यूज़ हम किन किन के साथ कर सकते हैं। सम का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा जिसे हम नहीं गिन सकते उसके साथ भी कर सकते हैं। सम का यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा जो एक से ज़्यादा हो उसके साथ भी कर सकते हैं। एनी का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा के साथ कर सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं यानी जिसे हम गिन सकते हैं और जिसकी संख्या एक है उसके साथ भी कर सकते हैं। एनी का यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी एक से ज़्यादा वस्तु जिसे हम गिन सकते हैं उसके साथ भी एनी का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है सी वॉन्ट सम वाटर, यहाँ पे जो वाटर है इसे हम नहीं गिन सकते यानी अनकाउंटेबल है, उसके साथ हमने सम का यूज़ किया। सी डजंट वॉन्ट एनी वाटर, यहाँ पे वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमने एनी का यूज़ किया। नेक्स्ट है डज सी हैव एनी बुक, यहाँ पे जो बुक है वो काउंटेबल है बट ये एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ एनी का यूज़ हुआ है, यहाँ पे हम सम का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आई हैव सम बुक्स, यहाँ पे जो बुक्स है वो काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे सम का यूज़ किया। आई डोंट हैव एनी बुक्स, यहाँ पे जो बुक्स है वो काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे एनी का यूज़ किया। सो इस तरह से हमने जाना कि सम एंड एनी का यूज़ कौन कौन से स्टेटमेंट्स के साथ कौन कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं, इसके अलावा सम के अपवाद के बारे में। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम ऑब्लिक एनी, सम या फिर एनी का यूज़ करके ब्लैंक को फिल करना है। क्वेश्चन वन है वुड यू लाइक ब्लैंक मिल्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे एनी आना चाहिए, बट हमने सम के एक अपवाद के बारे में जाना कि सम का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए ऑफ़र करते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए पूछते हैं, तो इसलिए यहाँ पे किसी चीज़ के लिए ऑफ़र किया जा रहा है। वुड यू लाइक ब्लैंक मिल्क, क्या आप दूध लेना पसंद करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आएगा सम।
नेक्स्ट है देयर आर ब्लैंक बुक्स ऑन दैट टेबल, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा सम। इसका एक और रीज़न है, ये बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा सम, देयर आर सम बुक्स ऑन दैट टेबल। नेक्स्ट है नो आई डोंट वॉन्ट ब्लैंक बुक, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एनी, एंड ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस तरह से हो जाएगा नो आई डोंट वॉन्ट एनी बुक। नेक्स्ट है सी वॉन्ट्स ब्लैंक पेपर्स टू राइट अ स्टोरी, यहाँ भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एंड पेपर को हम गिन सकते हैं यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, सो इसलिए यहाँ हो जाएगा सम, सी वॉन्ट्स सम पेपर्स टू राइट अ स्टोरी। नेक्स्ट है दे डू नॉट हैव ब्लैंक मनी विथ देम, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है एंड मनी यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एनी, सो इस तरह से हो जाएगा दे डू नॉट हैव एनी मनी विथ देम। सो इस तरह से हमने सम एंड एनी के बारे में जान लिया है। सो इस तरह से हमने जाना सम एंड एनी के बारे में, अब हम जानेंगे फ्यू अ फ्यू लिटिल एंड अ लिटिल के बारे में। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि फ्यू एंड अ फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जबकि लिटिल एंड अ लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। इसके अलावा लिटिल एंड फ्यू आर यूज टू गिव अ नेगेटिव आइडिया, अ लिटिल एंड अ फ्यू आर यूज टू गिव अ पॉजिटिव आइडिया, मीन्स लिटिल एंड फ्यू का यूज़ हम नेगेटिव आइडिया के लिए करते हैं जबकि अ लिटिल एंड अ फ्यू का यूज़ पॉजिटिव आइडिया के लिए करते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज ब्लैंक फूड इज लेफ्ट विद देम, ये नेगेटिव आइडिया है, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज ब्लैंक फूड इज लेफ्ट विद देम, फूड को हम काउंट नहीं कर सकते, नेगेटिव एंड अनकाउंटेबल, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा लिटिल। नेक्स्ट है सी इज क्वाइट सेटिस्फाइड नाउ सी हैज डन ब्लैंक बेटर देन सी एक्सपेक्टेड, पॉजिटिव आइडिया एंड एक्सपेक्टेशन, इसे हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए पॉजिटिव आइडिया बट अनकाउंटेबल, मीन्स यहां पे आ जाएगा अ लिटिल। नेक्स्ट है राजू हैज मेड ब्लैंक मिस्टेक्स इन इंग्लिश पेपर दैट्स व्हाई ही इज सैड, ये मिस्टेक्स काउंटेबल नाउन बट नेगेटिव आइडिया, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आ जाएगा फ्यू, नेगेटिव आइडिया बट काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है ही हैज ब्लैंक होप टू गेट सक्सेस, पॉजिटिव आइडिया बट होप, इसे हम काउंट नहीं कर सकते यानी अनकाउंटेबल बट पॉजिटिव, सो यहाँ पे आ जाएगा अ लिटिल। नेक्स्ट है देयर आर ब्लैंक पॉइंट्स टू डिस्कस स्टिल टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड पॉइंट्स को हम काउंट कर सकते हैं 1 point, 2 points, 3 points यानी काउंटेबल नाउन एंड पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा अ फ्यू। सो इस तरह से हमने जाना फ्यू अ फ्यू लिटिल एंड अ लिटिल का यूज़ हम कौन कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं। नाउ लेट सी द डिफरेंस बिटवीन मच एंड मैनी, मच एंड मैनी का यूज़ हम कौन कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं। मच डिस्क्राइब्स द अनकाउंटेबल नाउन, मैनी डिस्क्राइब्स द काउंटेबल नाउन, यानी मच का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा के साथ करते हैं जबकि मैनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा के साथ करते हैं, जैसे मैनी फ्लावर्स, मैनी एप्पल्स, मैनी कलर्स, मैनी विलेज, यानी फ्लावर्स को हम काउंट कर सकते हैं, एप्पल को काउंट कर सकते हैं, कलर को काउंट कर सकते हैं एंड विलेज को काउंट कर सकते हैं। मच का यूज़ मच वाटर, मच शुगर, मच हैप्पीनेस, मच मिल्क, यहाँ हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, शुगर को काउंट नहीं कर सकते, हैप्पीनेस को काउंट नहीं कर सकते, मिल्क यानी दूध को काउंट नहीं कर सकते। सो इस तरह से हमने जाना कि मच एंड मैनी का यूज़ हम किन किन के साथ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन,
क्वेश्चन है इंसर्ट मच और मैनी इन द फॉलोइंग. यहाँ पे हमें मच एंड मैनी फिल करना है. पहला है डिड यू बाय ब्लैंक स्टोरी बुक्स. स्टोरी बुक को हम काउंट कर सकते हैं तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा मैनी. सो ये बन जाएगा डिड यू बाय मैनी स्टोरी बुक्स. नेक्स्ट है हाउ ब्लैंक वाटर इज लेफ्ट इन दिस टैंक. वाटर वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पे आ जाएगा मच. सो ये हो जाएगा हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन दिस टैंक. नेक्स्ट है दे डू नॉट हैव ब्लैंक हाउसेस. हाउस को हम काउंट कर सकते हैं इसलिए यहाँ पे आ जाएगा मैनी. तो ये हो जाएगा दे डू नॉट हैव मैनी हाउसेस. नेक्स्ट है राज इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स बट ही हैज़ नॉट ब्रॉट ब्लैंक बुक्स विथ हिम. बुक को हम काउंट कर सकते हैं इसलिए यहाँ पे आ जाएगा मैनी. सो ये हो जाएगा राज इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स बट ही हैज़ नॉट ब्रॉट मैनी बुक्स विथ हिम. नेक्स्ट है हाउ ब्लैंक मनी यू वॉन्ट. यहाँ पे जो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है. मनी मतलब होता है धन तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा मच. सो ये हो गया हाउ मच मनी यू वॉन्ट. नेक्स्ट है हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स हैव देयर टेक्स्ट बुक्स. यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं यानी स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा मैनी. सो ये हो गया हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव देयर टेक्स्ट बुक्स. सो इस तरह से हमने जाना कि मच एंड मैनी का यूज़ हम कौन कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन थैंक यू.